अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज भिवंडी के लोगों के लिए खुश खबर, अब अपने घर या ऑफिस के इंटीरियर को बनाइए और भी बेहतर सीएनसी एंड लेजर आर्ट से, जहां आपको सभी तरह की डिजाइनर जाली किसी भी मटेरियल पर कट करके मिलेगी, जैसे ACP, WCP, MDF, वुड कटिंग एंड वुड कार्विंग कम दामों में किया जाता है। साथ ही बुरखे पर होने वाले स्टोन वर्क का भी काम किया जाता है। पता है CNC लेजर आर्ट, मंगल बाजार स्लैब नियर राबिया मस्जिद भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस इन द सभी का स्वागत है। फिलहाल हम आए हैं भिवंडी शांति नगर पिरानीपाड़ा में। यहाँ पे एक स्लैब जाता है जहाँ पे नेशनल स्कूल है, नेशनल उर्दू हाई स्कूल, और उसके ठीक सामने एक अधूरी बिल्डिंग है। जी हाँ, मैं अधूरी बिल्डिंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बिल्डिंग का काम शुरू हो गया तकरीबन 7 से 8 साल हो गए, लेकिन अब तक के ये पूरी नहीं हो पाई है और यहाँ पे लोग रह रहे। और कुछ ही दिनों पहले यहाँ पे एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, और ये हादसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि ये बिल्डिंग अब तक की पूरी नहीं हुई, कंप्लीट नहीं हुई, और लोग यहाँ पे रहने आ गए हैं। तो यहाँ पे जो बिल्डर है, जिसने यहाँ पे लोगों को रहने की इजाज़त दी, पोजीशन दिया, ये उसकी जिम्मेदारी बनती थी कि इस बिल्डिंग को पूरा करे। मैं आपको बता दूँ कि हादसा क्या हुआ था कि फिलहाल हम खड़े हैं तीसरे माले पर इस बिल्डिंग के अब तक के कोई नाम नहीं दिया गया है। तीसरे माले पर खड़े, और ये देखिए यहाँ पे ये पूरे जो जितने भी फ्लोर है इसको ये कवर नहीं किया गया है, यहाँ पे पूरा ओपन रखा है इस तरह से, और घर बना बना के लोगों को रहने के लिए दिए, लेकिन उनकी सेफ्टी की कोई जिम्मेदारी नहीं, उनकी सेफ्टी का कोई ख्याल नहीं रखा गया है। अब यहाँ पे जो बच्चे बैठते हैं, तो कुछ रोज़ पहले यहाँ से एक बच्ची, सारा नाम था, 7 साल की बच्ची, जो कि यहाँ से गिर गई नीचे, और नीचे गिरने के बाद में उसको मल्टीपल फ्रैक्चर्स आए, उसको कहीं टाँके आए, चेहरे के ऊपर भी टाँके आए हैं। तो ये सारा हादसा जो है ये यहाँ पे हुआ है सिर्फ एक बिल्डर की लापरवाही से। तो यहाँ पे हमारे साथ में बच्ची की चाचा और रिश्तेदार रहते, थोड़ा सा हम उनसे बात करेंगे कि बताएंगे कि पूरा क्या हुआ था उस दिन, कैसे क्या हुआ था। बच्ची यहाँ से नीचे गिरी है। हाँ, और वो मुंह के बल गिरी। अच्छा, तो क्या खेल रही थी बच्ची यहाँ पे? हाँ, खेल कुछ लाने जा रही थी। नहीं, यहाँ पे खेलेंगे ना बच्चे। हाँ, बच्चे तो खेलेंगे ही ना जी। अब ये दीवार रहती तो बच्ची नीचे नहीं जाती। हाँ, पैक रहता तो जाता नहीं जी। बिल्कुल। और वो नीचे गिरे, फिर उसके बाद में दूसरा आदमी देखा है, दूध वाला है, यादव देखा, वो दौड़ के आया, उसके बाद में दवाखाना भेजे। हाँ, तो ये जो हादसा हुआ इसके बाद में आपने किसी से शिकायत की थी? मतलब बिल्डर से, मकान मालिक से, पुलिस में किसी से शिकायत की थी? बिल्डर से तो मैं पहले बनने के टाइम भी मैं शिकायत किया था कि चारों तरफ दीवारी मार दे। हाँ। चार पत्री मार, नहीं बच्चे खेलेंगे तो नीचे गिरेंगे जी, लेकिन अभी तक उसने सुना ही नहीं कुछ। अच्छा, कौन है बिल्डर? कौन है ना? इमरान कालिया। इमरान कालिया कौन है? यही भिवंडी के, मतलब यही रहते हैं, शांति नगर में रहते क्या? हाँ। अच्छा, और मकान मालिक कौन है? मकान मालिक वही। अच्छा, वही उसी का ही है, सब बेड डाला है। अच्छा, उसमें कुछ बचा नहीं, जितने अभी सब मकान। तो आपने जब इतना बड़ा हादसा हुआ तो इसके बाद में पुलिस कंप्लेंट की थी? उसके माँ बाप की, मैंने नहीं। हाँ, वही मतलब पुलिस कंप्लेंट हुई है क्या? तो उसके बाद में कुछ एक्शन लिया गया बिल्डर के ऊपर? अभी तक कुछ हुआ नहीं। अच्छा, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। फिलहाल बच्ची की हालत कैसी है? अभी हॉस्पिटल में है। अभी तक हॉस्पिटल में है? कौन से हॉस्पिटल में है? तामा में, कैम्प में है ना? कैम्प। अच्छा, कैम्प में है। तो ये सारे मामले में चलो पुलिस ने तो अपनी कार्रवाई की नहीं की, लेकिन इसके बाद में जो बिल्डर था वो एक बार भी आके देखा नहीं गया बच्ची को, नहीं, और यहाँ पे देखा नहीं क्या हुआ करके? वो हॉस्पिटल गया कि नहीं गया ये तो मुझे ही। बोलो बोलो, क्या बोल रहे? बिल्डर आया था क्या? पहले दिन आया था, उसके बाद से नहीं आया। आके खाली देख के चला गया? हाँ, आके देख के चला गया। फिर हम लोग बोले भी थे क्या अभी करना है, भी पता करते देखते। अच्छा, तो वो ऐसा भी नहीं किया उसने कुछ टेम्पररी यहाँ पे बांध दिया यहाँ पे तो दिख रहा है ना यहाँ पे? नहीं, वही वही। हाँ हाँ, तो मतलब उसने कुछ ऐसा कोई भी आश्वासन नहीं दिया कि मैं कुछ कर देता हूँ यहाँ पे टेम्पररी? नहीं नहीं, कुछ नहीं किया ना। अभी आपके सामने जो भी है जी जी, जो नीचे वाला घर मेरा है। हाँ, ये पूरा फ्लैट वो पूरा मेरा है। अच्छा, इसको बोला भी अगर ऊपर से कुछ गिरा तो घर में बच्चा सोया है या कोई और सोया है, कबीलू का है, पतरे का है। पहले भी बोला गया था इसको काम करने के लिए,
ये दूसरा हादसा है, ऐसा नहीं पहला हादसा। अच्छा, इसके पहले भी हादसा, इसके पहले भी, बाकी वो कुछ हुआ नहीं था उसमें, उसमें पहले किसी को हुआ नहीं, उसको कुछ हुआ नहीं था। अब ये दूसरा हादसा हुआ तो भी बोला गया, अभी भी कुछ काम नहीं हुआ इसको। तो आपकी क्या मांग है, मतलब क्या चाहते? हमारी मांग ये है कि पहले बिल्डिंग कंप्लीट करके मिलना चाहिए ना, क्योंकि आगे फिर कुछ हादसा हो उसका जिम्मेदार कौन होगा। तो इसको आप लोग भी थोड़ा सा टेम्पररी आप लोग अपने, मतलब बिल्डरी करे करे नहीं, क्योंकि जान अपनी है, तो आप लोग भी इसको थोड़ा बहुत सेफ्टी कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं, इससे अभी अभी भी ब्लॉक ऊपर पड़ा हुआ है। हाँ, काम बाकी, वो ओनर और जो है और जो बिल्डर है, लोग खुद के आपस में कुछ मसले है जो नहीं हो रहा है काम। अच्छा अच्छा, उनके आपस के मसले, आपस के भी कुछ मसले है। अच्छा, ओनर कौन है? ओनर का कुछ नाम अयाज, अयाज यही रहते हैं यार। नहीं, ये आइडिया नहीं है, तो वो आइडिया नहीं है। ठीक 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 है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से यहाँ पे लापरवाही बरती जाती है, और लापरवाही के साथ साथ में कुछ आपसी विवाद के लिए लोगों की जान कोई समझी नहीं आती, लोगों की जान को खतरे में डाला जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से, अगर आपको डीप दिखा हो तो ये तकरीबन ये 30-40 फीट जो है गहराई गहराई यहाँ पे, और यहाँ पे बच्चे जो है बेखौफ बैठते हैं, खेलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है बिल्डर को, मकान मालिक को, और मैं तो कहूँगा कि साथ साथ में जो यहाँ रहते हैं उनको भी ध्यान देनी चाहिए कि यहाँ पे तकरीबन नहीं कुछ तो भी बांबू वगैरह बांध देना चाहिए टेम्पररी, ताकि बच्चे जो है नीचे नहीं जाए। तो हम कोशिश करेंगे, यहाँ पे जो बिल्डर है, तो हम इमरान कालिया से भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या इसके पीछे की सच्चाई, आखिर क्यों ये काम नहीं हो के दे रहा है। और साथ साथ में शांतिनगर पुलिस से भी हम इंक्वायरी लेंगे कि जो FIR हुई थी उसके ऊपर क्या कार्रवाई। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहे भाई फिरोज मेहमान दौड़ी से। थैंक यू।